Hello Internet, this is Hellwalker, you're watching Gadget Ultra Online, hope you're doing great. So, as you know, Jack का trailer आ गया है, Jack 8 का trailer आ गया है, and I'm pretty much like excited about this as well, because ये मेरा second main है, पूरा यू साइफर इसी से खेला था although, top tier character था, वो भी क्या दिन थे. But anyways, so, trailer देखने के पहले मैं एक बात बता दूं कि जैक जो है like सबसे जो best version of जैक था वो था जैक 7. Yes, Tekken 7 का जो जैक है वो बेस्ट जैक था मेरे हिसाब से अभी तक, जो उसके पास खतरनाक टूल्स थे और राइजिंग 2-1 जो काउंटर हिट लॉन्चर हो गया, इसके अलावा भी लाइक काफ़ी सारे स्टफ्स हैं उसके पास जो कि उसे एक टॉप टियर कैरेक्टर बनाते हैं और वेल राउंडेड कैरेक्टर बनाते हैं. आई थिंक टेकन 7 से ज़्यादा जो है जैक कभी यूज़ भी नहीं हुआ अगर पूरे सिनेरियो को देखें, और उसके पहले अगर बहुत पुरानी बात करें टेकन 3 की अगर बात कर लेते हैं, टेकन 4 की बात कर लेते हैं, इनफैक्ट 5 की भी बात करते हैं, 5 में कुछ हद तक प्लेबल हो गया था, 3 में तो था एक सिनेरियो एकदम गड़बड़ाया हुआ था. तो खैर 3 की बात ही क्यों कर रहे हैं, जनरेशन बदल गई है, एक जनरेशन गैप आ गया है, और लेट्स सी कि जैक 8 लाइक कैसा रहने वाला है. सो लेट अस क्विकली जंप इन द ट्रेलर. टेकन 8, और आई थिंक इसको मिला कि 8 कैरेक्टर्स आ चुके हैं. एक्चुअली जैक पहले ही स्पॉइल कर दिए थे इन लोगों ने लार्स के ट्रेलर में क्योंकि अभी तक जो भी ट्रेलर देखा उसमें सारे जो है बेसिकली कैरेक्टर्स जो है आ ही गए हैं, और जैक उसके पहले जो है किसी भी गेम प्ले रिवील ट्रेलर में नहीं दिखाया था. तो लाइक लार्स का जो गेम प्ले रिवील ट्रेलर था वो कहीं ना कहीं स्पॉइलर था कि हाँ जैक इज ऑल्सो कमिंग. ओके, तो पुराना विन पोज और ये नया लाइक इंट्रो पोज है, आई लाइक इट वेरी मच. ओ और ये एक नया मूव. ओके इंट्रो, ये क्या देख लिया मैंने, ये अच्छा है. फॉरवर्ड वन प्लस टू 14 फ्रेम का हो गया है अब. ओके मिक्सअप यहाँ पे, डैम बैक टू वर्ल्ड का काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं. बैक टू और ये नॉर्मल बैक टू है. ओहो वो नहीं जगह लॉट डाउन, 1+2 उड़ा दिया हवा में. इसके बाद ये सब पास ले जाए. अरे भाई साहब तो रॉकेट लेके आता है कि क्या लेकर आता है, फिर एनीवेज जो भी लेकर आता है कमाल है भाई, दिखता तो बढ़िया है. ठीक है तो ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं गाइस. सो शुरू से पहला मूव क्या हमारा भाई इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं. इसका पहले तो स्पीड थोड़ा कम करना पड़ेगा यार, इतना स्पीड में मत भाग भागो. 50% कर सकते हैं, 50% इज गुड आई वुड से. इधर से ठीक है, ये इंट्रो पोज तो भाई बढ़िया है, पर मुझे नया वाला इंट्रो पोज आया आर्ट रॉकेट लेके भाई वो जो उतरता है वो काफ़ी बैडास है. और ये भी शायद नया है क्या, पुराना कोई इंट्रो पोज है, क्योंकि ये पोज ये भी नया है मुझसे. राइट स्टेप 2, काफ़ी सारा प्लस है इसमें. ओके दैट्स अ न्यू मूव. एक सेकेंड. टू ये नया मूव है, कूल. और अप फॉरवर्ड 3+4 के बाद ये मूव मारा जो कि नॉकडाउन दिया, उसके बाद 1. ये मूव वैसे भी ऑलरेडी जो है काफी होती है. एक सेकेंड थोड़ा और धीमा करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा. कहाँ से ठीक है, इसके बाद ये मिड है और ये होमिंग है. बाप रे बढ़िया, और क्या रेंज है. DF2 पे जगल है और फॉरवर्ड 1 DF2 के बाद, और ये जो वॉल बाउंस था लेकिन 7 में वो स्क्रू है. वाओ ओके, और वही है पुराना एंडर, वही पुराना एंडर जो मारा इसने.
इसके बाद फॉरवर्ड 1-2-1 कूल, तो एंडर इज लाइक काइंड ऑफ सेम, बैक 3-2-2 नहीं दिखाया, ओके फॉरवर्ड फॉरवर्ड 1+2 तक्का पावर प्रेस है, ये बड़ा बफ है क्योंकि तो वो एक लॉन्च पनिशेबल मूव था, और पता नहीं अब लॉन्च पनिशेबल है कि नहीं। और ये नया मूव एज अ वॉल एंडर, पहले हम लोग डाउन फॉरवर्ड 3+4 मारते थे, मतलब मारते हैं इनफैक्ट, ठीक है। फॉरवर्ड 1-2-1 अभी भी है, ये नया वॉल स्प्लैट, नहीं नहीं वॉल स्प्लैट नहीं, जो भी है प्लस फ्रेम्स थे उधर, और फॉरवर्ड 1, ये नया मूव है, ये नया मूव है, और ये मस्त वॉल एंडर है। एक बार फिर से इसे देखना पड़ेगा, इधर क्या हुआ एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। सो इसके बाद बैक 3 मारने गया, उसको स्प्लैट किया, सो बेसिकली वो स्प्लैट हुआ वॉल पे, नया तरह का इसमें एनिमेशन है। उसके बाद ये जगह है कूल, बैक 3-2 है, और बैक 3-2 के बाद शोल्डर की जगह ये नया मूव मारा है, डाउन फॉर 1+2 नहीं कुछ और कमांड होगी, पर लुक दिखता बढ़िया है, आई थिंक उस मूव की जरूरत भी थी। ट्रैकिंग जबरदस्त है 4-4-1 की, क्या बात है, क्या बात है, अरे भाई नहीं 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 आगे देखो, पूरा स्टेप कर लिया और फिर भी जैक हैमर ने पकड़ लिया, दैट्स अ बफ। पर यहां पे मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया क्योंकि वो 4-4-1 अब लाइक नॉर्मल हिट पे नॉकडाउन नहीं है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये बफ है कि क्या है, क्योंकि पूरा ट्रैक किया 4-4-1 ने, एज यू कैन सी यहाँ पे राइट हेयर, यहाँ पूरा ट्रैक किया 4-4-1 नॉर्मल हिट पे कनेक्ट हुआ, एंड इट्स नॉट अ नॉकडाउन, ये एक काफ़ी जो है नर्व भी है और बफ भी एट द सेम टाइम, बिकॉज 4-4-1 यूजुअली इस तरफ तो बिल्कुल ट्रैक नहीं करता है, अब आंख बंद करके स्टेप कर लो जैक के राइट में, जैक हमर कट जाएगा, पूरी एलाइन करके मारना पड़ेगा, और यहाँ पे उसने किंग ने पूरी तरह से जो है ऐसे वॉक ही कर लिया था, पर उसने पकड़ लिया, लाइक ग्रेट ट्रैकिंग एडेड टू जैक हैमर, बट इट इज़ नॉट अ नॉकडाउन ऑन नॉर्मल हिट, बट येस ऑन नॉर्मल हिट इट गिव्स अ टन ऑफ प्लस, ऐसा दिख रहा है, बिकॉज उसके बाद जो है स्टेप करने गया और 4-4-3 काउंटर हिट में खा लिया, क्योंकि 4-4-3 बहुत स्लो मूव है जैक का, आई डोंट नो द फ्रेम्स बट इट इज़ प्रीटी स्लो, इट गिव्स +5 ऑन ब्लॉक, ऐसा उसका टेकन 7 में सिनेरियो है, यहाँ पे भी काफ़ी स्लो लग रहा है, पर इतना ज़्यादा फ्रेम एडवांटेज है 4-4 नॉर्मल हिट पे कि उसने इसको ट्रैक कर लिया, एंड नाउ इट्स अ एक लॉन्चर, किंग्स ईट्स इट, और DF-11 का नया एनिमेशन, आई थिंक ये DF-11 है, यस ऑफ कोर्स DF-11 है, इसका एनिमेशन काफ़ी ज़बरदस्त है, पहले से दूर फेंक देगा, यस, और यहाँ पर हीट राइजिंग 2-1 का 1 था वो, और ये बेसिकली नया एंडर है, वो थिंक वो हीट में रहेगा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बफ है एक्चुअली, हाँ इसका मैं आपको लाइक बताना चाहूँगा। रॉन्ग क्रॉस DF-2 इज़ -14 ऑन ब्लॉक, और आई थिंक ये सीक्वेंस दिखाने का भी मतलब यही है कि जैक के पास जो है अब एक सॉलिड 14 फ्रेम का लॉन्चर है हीट पे। फॉरवर्ड 1+2 इज़ नाउ 14 फ्रेम, आई थिंक टेकन 7 में भी 15 फ्रेम्स का है, और काफ़ी ज़्यादा जो है लाइक नेगेटिव ऑन ब्लॉक है, पर यहाँ पे लाइक क्रीन किंग के DF-2 फ्रॉम क्रॉस DF-2 को वो पनिश कर रहा है प्रॉपरली फॉरवर्ड 1+2 से, तो दैट मीन्स फॉरवर्ड 1+2 इज़ 14 फ्रेम्स, और उसके बाद यस हीट में यू कैन लाइक डू दिस जगल, नाइस बफ आई वुड से, ओहो दैट्स गुड, मतलब छोटे स्ट्रिंग्स के, ओ ठीक है तो फॉरवर्ड 3 के बाद मिक्सअप सिनेरियो है, आई थिंक इसके पास होगा फॉरवर्ड 3-1+2 भी होगा, फॉरवर्ड 3-2 भी होगा, और ये वाला सिनेरियो भी होगा कि ताकि बीच में जो है कोई उंगली ना कर पाए, किंग बैक वन करने जा रहा था उधर, और फिर से यहाँ पे क्राउच से दुनिया भर के मिक्सअप दिए हुए हैं, मतलब जैसा मैं देख सकता हूँ फॉरवर्ड 3 के बाद जो है ये मिक्सअप, फिर से क्राउच और फिर से ये पावर क्रश, एंड सो होमिंग होमिंग, ट्रेल आ रहा है उधर,
ओके, वन प्लस टू इज अ बाउंड और स्क्रू एंड बैक टू होल्ड इज अ एंडर. आज भी कुछ कुछ जगल में उसमें वी यूज बैक टू होल्ड एज अ एंडर. एक्चुअली सिंपल सी जगल है टेकन सेवन में भी, पर यहाँ पे इसका अच्छा यूज है. आई थिंक ये बैक टू होल्ड ही है ना. हाँ बैक टू होल्ड है. कूल. और नॉर्मल बैक टू हीट में ये तो शायद उन लोगों ने बेसिकली जब टी डब्ल्यू टी ग्रैंड फिनाले हुआ था तो वहाँ पे दिखाया था कि बैक टू के बाद लाइक यू कैन यूज हीट एंगेज इन ऑल. फिर से प्ले करते हैं. जगल मैकेनिक्स थोड़ा सा तो डिफरेंट है, अडेप्ट करने में थोड़ा सा तो टाइम लगने ही वाला है. बैक टू आई थिंक काउंटर हिट पे पड़ा है. नया स्ट्रिंग यस न्यू स्ट्रिंग राइट देयर. ये वाला स्ट्रिंग तो बैक टू इनटू फॉरवर्ड वन टू वन. और ये शायद बैक वन होगा उसके बाद ज्यादा अप वन होगा क्योंकि अभी भी जो एक फॉरवर्ड वन टू वन में एक्सटेंशन है एक ऊपर को मारता है ना वो. ये नया मूव है. उसके बाद भी फॉरवर्ड थ्री दे दिया है क्या ओवर वाला. आई थिंक फॉरवर्ड थ्री था वो मूव जो ओवर के पास था. आई थिंक वो बैक के पास भी था बात पर. वैसे ही मूव कुछ दिख रहा है मुझे. ये है. और ये तो क्लासिक डाउन वन प्लस टू रेजार्ड. ही हैज एन इम्प्रेसिव रेजार्ड. इसका स्पीड जो है अब नॉर्मल कर देते हैं. एक बार फिर से ट्रेलर देखना चाहूँगा मैं नॉर्मल स्पीड में. कुछ मिस तो नहीं किया मैंने. लेट्स हैव अ लुक. सो अभी तक जो चीज़ें हैं वो सबसे बड़ा एक नर्व दिखा वो है फॉरवर्ड वन का नॉर्मल हिट पे नॉकडाउन ना होना. पर वहीं पे एक सबसे बड़ा बफ ये दिखा कि फॉरवर्ड वन की जो ट्रैकिंग है वो अमेजिंग है. और फिर फॉरवर्ड वन प्लस टू 14 फ्रेम पनिशर है और हीट में लाइक वो काम तमाम कर सकता है. वर्क्स एज अ लॉन्चर एक्चुअली व्हेन यूजिंग हीट. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे. और दिस न्यू मूव्स ऑफ कोर्स. और अब फॉरवर्ड 3 प्लस 2 के बाद एक होमिंग दे दिया. ये काफ़ी यूजेबल मूव होने वाला है मेरे हिसाब से कि काम आएगा क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ खास मिक्सअप है नहीं. ऑल्दो अब फॉरवर्ड 3 प्लस 4 लीस्ट यूजेबल मूव है और ये भी एक अच्छा वर्क है फॉरवर्ड 1 प्लस 2. इट्स अ गुड वर्क दैट इट इज़ नाउ अ पावर क्रश. अच्छी ट्रैकिंग है और ये तो लाइक ये काफ़ी डिबेटेबल रहेगा कि ये नर्फ है कि बफ है. ये तो शोर फॉर श्योर इट्स अ ग्रेट बफ टू जैक. जैक अभी आजकल 14 फ्रेम्स में फॉरवर्ड 1-2 मार पाता है विच इज़ अ नॉकडाउन पनिश. पर यहाँ पे उसे लाइक काइंड ऑफ अ लॉन्च मिलता है हीट में. और बैक टू द बॉल हीट न्यू मूव हवा में ऊपर चढ़ाने के लिए. फिर एक सेंडर ग्राउंड में कुछ कल अच्छी बात है ग्राउंड में कुछ भी अभी गेम में कुछ लोग बोलते हैं कि काइंड ऑफ ब्रोकन है क्योंकि ना पनिशेबल मतलब है पनिशेबल लाइक अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स कैन नॉट पनिश. ओवरऑल लाइक दिस जैक लुक्स ऑफ So, he's the 8th character to enter in the game. और अभी ईवो में कुछ दिन रह गए हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट जून ट्रेलर एज वेल. सो लेट्स सी होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल वॉक अ साइनिंग आउट. पीस.